आज हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली के प्रमेय। इसमें हंस के पढ़ाने की कोई दिक्कत नहीं है। आज हम सीखेंगे हवाई जहाज उड़ाने का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत बर्नौली थ्योरम बर्नौली के प्रमेय से समझा गया हवाई जहाज के उड़ने का सिद्धांत, बर्नौली के प्रमेय से समझा गया हार्ट अटैक के बारे में, बर्नौली के प्रमेय से सीखा गया कि नल से अगर पानी गिर रहा है तो उसका छाल कैसे निकालेंगे। तो बर्नौली का प्रमेय कहता है, बर्नौली के प्रमेय में हम तीन ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तरल का तीन ऊर्जा, तरल के पास तीन ऊर्जा होता है। किसी ठोस के पास हम दो ऊर्जा पढ़े थे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अगर पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर हो, अगर जमीन से किसी ऊंचाई पर एक एम द्रव्यमान का वस्तु हो तो इसका स्थितिज ऊर्जा हम लोग पढ़ चुके हैं कि यू बराबर होता है एम जी एच, इसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर भी वेग से कोई बॉडी अगर चल रहा है एम द्रव्यमान का भी वेग से, अगर वेग भी है तो इसका गतिज ऊर्जा होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा होता है। लेकिन तरल या द्रव के पास एक तीसरी ऊर्जा होता है जिसको हम दाब ऊर्जा कहते हैं। मतलब तरल या द्रव के पास तीन प्रकार का ऊर्जा होता है। कौन कौन सी ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। तीनों को एक बार समझते हैं तब ये बर्नौली का हम प्रमेय समझ पाएंगे। तरल का दाब ऊर्जा समझ लेते हैं क्या होता है। तरल में दोनों आता है, द्रव या गैस। द्रव के रूप में स्पेसिटी समझना है तो तरल का दाब ऊर्जा क्या होता है समझ लेते हैं कि दाब ऊर्जा क्या है। तो अगर मान लो किसी नली में कहीं तरल भरा हुआ है, तरल ये भरा हुआ है नली में, यहाँ पर यहाँ भरा हुआ है। अब मान लो कि इस सेक्शन पर, इस सेक्शन पर, इस काट पर अगर तरल का दाब जो है पीछे से, इधर से तरल का दबाव जो है, दाब जो है अगर पी हो, जो दबाव लगा रहा है तरल वो पी है, आई क्षेत्रफल अगर यहाँ कहीं ए है, यहाँ पर तरल का चाल अगर भी है, तो यहाँ जो तरल यहाँ से दबाव पड़ रहा है तरल पर, उस दबाव के बल से कुछ कार्य होगा। वो कार्य कितना होगा? तो बल यहाँ पर कितना लगाएगा तरल, या तरल बल कितना यहाँ पर लगेगा इस तरल पर, पिछला तरल बल कितना लगाएगा? तो बल लगाएगा पी गुणे ए, दाब गुणे क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल होगा। तो इतना बल लगाएगा इधर का तरल, और एक सेकंड में जो दूरी चलेगा, जो विस्थापन चलेगा, वो ये वेग होगा। तो पी ए इंटू भी, यही होता है दाब ऊर्जा, इसको दाब ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी भी तरल में जो तरल बहने वाला है, कोई भी तरल हो, चाहे कोई तरल रखा भी गया हो, अगर तरल के भीतर दाब है, होगा ही तरल के भीतर दाब, तो तरल के भीतर दाब के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम दाब ऊर्जा कहते हैं। और उस दाब ऊर्जा को P गुणे A इंटू भी लिखते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम बता चुके हैं कि आयतन होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तरल का वेग, ये एक सेकंड का आयतन होता है। तो हम इस दाब ऊर्जा को P गुणे V भी लिख सकते हैं। और एकांक आयतन का दाब ऊर्जा अगर बताना हो तो P गुणे V में V से भाग लगा देंगे तो हमारा केवल P बचेगा। यानी जो सिर्फ दाब है वो तरल का दाब ऊर्जा बताता है, एकांक आयतन का दाब ऊर्जा दाब के बराबर होता है। तो एक बार फिर हम समझ लेते हैं कि दाब ऊर्जा क्या होता है। तो किसी भी तरल में दबाव या दाब के कारण जो तरल को बहाने की क्षमता होती है, जो तरल को विस्थापित करने की क्षमता होती है, उसको हम लोग कहते हैं दाब ऊर्जा। उस दाब ऊर्जा को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? किधर से दाब लग रहा है और बल क्या लगेगा? तो अगर जिस क्षेत्रफल पर दबाव लग रहा है तरल का, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बल मिल जाएगा, तरल को चलाने वाला बल। और एक सेकंड में जो तरल चलेगा वो तरल का वेग होगा, और गुणा करेंगे तो ये कार्य हो जाएगा। ये हो गया कार्य, और यही कार्य दाब ऊर्जा कहलाता है इस तरल का। अब जो है, अब कितने आयतन का दाब ऊर्जा? तो ए इंटू भी आयतन का दाब ऊर्जा। मतलब ये दाब ऊर्जा का फॉर्मूला है, कितने आयतन का? तो भी आयतन का। जो एक सेकंड में आयतन तरल का जाएगा उसके पास एक ऊर्जा आ चुका है। जब एक सेकंड में तरल बढ़ा कुछ, जब एक सेकंड में कुछ तरल बढ़ा भी वेग से,
कुछ बढ़ा एक सेकंड में, तो जितना तरल यहां से यहां आगे बढ़ा उसके पास कुछ ऊर्जा हो चुका है, इतना ऊर्जा हो चुका है। अब एकांक आयतन की ऊर्जा निकाल कैसे निकालेंगे, तो ये दाब ऊर्जा में आयतन से भाग लगाएंगे, सिर्फ दाब बचेगा, और ये जो दाब बचेगा सिर्फ, ये एकांक आयतन का दाब ऊर्जा कहलाता है। तो दाब के चलते भी ऊर्जा होता है, और दो ऊर्जाएं तो पहले से हम जानते ही हैं, स्थितिज ऊर्जा, अगर कोई भी तरल, तरल अब यहाँ ठोस की बात नहीं होगी, द्रव ही ले लीजिए, अगर कोई भी द्रव किसी ऊंचाई पर हो, अगर यहाँ एम द्रव्यमान का कोई तरल जो है अगर जमीन से एच ऊंचाई पर हो तो इसका स्थितिज ऊर्जा यू बराबर एम जी एच होगा। अगर कोई तरल कहीं बह रहा है और उसको वेग अगर भी है एम द्रव्यमान का तरल, तो उसको गतिज ऊर्जा कितना होगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर होगा। अब अगर एकांक आयतन का स्थिति ऊर्जा लिखना हो तो आयतन से इसमें भाग लगा दीजिए, एकांक आयतन का स्थितिज ऊर्जा, और द्रव्यमान बटा आयतन को घनत्व लिख दीजिए, तो रो जी इंटू एच, एकांक आयतन का स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन का गतिज ऊर्जा लिखना हो तो इसमें आयतन से भाग लगा दीजिए, आयतन से स्मॉल वी वेग है, और द्रव्यमान बटा आयतन को हम घनत्व कहेंगे, तो हो जाएगा हाफ रो इंटू वी स्क्वायर। तो एकांक आयतन का स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला रो जी एच, एकांक आयतन का गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ रो वी स्क्वायर, और एकांक आयतन का दाब ऊर्जा दाब के बराबर। ये तीनों को मिला करके, तीनों ऊर्जाओं को लेकर के, और बर्नौली ने एक प्रमेय दिया, बर्नौली ने एक थ्योरम निकाला, एक थ्योरम उसने प्रमाणित किया, प्रूफ किया। बर्नौली ने कहा कि किसी असयान तथा असंपीड्य, जिसको हम आदर्श तरल कहते हैं, आइडियल फ्लूइड, बर्नौली के प्रमेय कहता है कि किसी असयान, किसी असयान तथा असंपीड्य तथा असंपीड्य, किसी असयान तथा असंपीड्य तरल के धारा रेखी प्रवाह में, प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर, प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर, प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन के दाब ऊर्जा कमा एकांक आयतन के स्थितिज ऊर्जा एवं एकांक आयतन के गतिज ऊर्जा का योगफल नियत होता है। मतलब कि यह जो बर्नौली का प्रमेय है, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसी प्रमेय का जब खोज हुआ तो इस प्रमेय से ही हवाई जहाज के उड़ने के सिद्धांत को अपनाया गया, बनाया गया इसी प्रमेय के आधार पर। तो ये कहता है कि किसी असयान तथा असंपीड्य तरल के धारा रेखी प्रवाह में, प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन के दाब ऊर्जा, एकांक आयतन के स्थितिज ऊर्जा एवं एकांक आयतन के गतिज ऊर्जा का योगफल नियत होता है। मतलब एकांक आयतन का कुल ऊर्जा तरल का, क्योंकि तीन तरह की तरल की ऊर्जाएं होंगी, दाब ऊर्जा, स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन का जो कुल ऊर्जा है वो नियत होता है। अब इसको हम प्रमाणित करके देखेंगे, प्रूफ करके हम देखेंगे। ये स्टेटमेंट हमारा हो गया, स्टेटमेंट कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं, अब हम इसको प्रमाणित हम लोग करेंगे। आइए इसको हम प्रमाणित करते हैं, बर्नौली के प्रमेय को हम प्रमाणित करते हैं, बर्नौली के प्रमेय का प्रमाण। तो प्रमाणित करने के लिए हम लोग एक
और समान अनुप्रस्थ काट वाले एक नली में आदर्श तरल के धारा रेखी प्रवाह को ले लेते हैं। बर्नौली के प्रमेय का प्रमाण प्रमाणित करने के लिए क्या करते हैं कि एक असमान अनुप्रस्थ काट वाले जो है एक नली को हम ले लेते हैं ऐसे, एक असमान अनुप्रस्थ काट वाला एक नली हम ऐसे आपको ले लेते हैं इस तरह से। एक नली हमारी हो गई असमान अनुप्रस्थ काट की, ये नली है यहां पर पतला यहां पर चौड़ा, बीच में कुछ पतला है, यहां थोड़ा चौड़ा फिर यहां चौड़ा फिर बहुत चौड़ा। और मान लीजिए कि इस नली का जो ये सिरा है ए, यहां से एच वन ऊंचाई पर है, और यहां का जो सिरा है बी, ये मान लीजिए कि आपको एच टू ऊंचाई पर आपको ये सिरा है, और इसमें तरल का प्रवाह हो रहा है जो धारा रेखी तरल का प्रवाह हो रहा है। ये हम एक नली का सेक्शन लिए हैं, ये नली और भी लंबा है, ऐसा नहीं कि नली का एकदम अंतिम भाग हम लिए और इसके बाद नली नहीं है, इसके आगे भी नली जुड़ा हुआ है, इधर भी नली जुड़ा हुआ है। तो इधर इधर का जो नली का भाग है जो इधर से तरल आएगा, इधर से जो दबाव डालेगा वो दबाव मान लीजिए कि पी वन है, यहां पर मान लीजिए कि यहां का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो मान लीजिए कि आपको ए वन है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है मान लीजिए ए वन। अब ये जो नली पूरा बाहर तक इधर तक फैला हुआ है, अब इधर वाला तरल जो इधर दबाव डालेगा उस दबाव को मान लीजिए कि हम पी टू ले लेते हैं, यहां का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए टू, और तरल जिस वेग से निकलेगा यहां पर वो तरल का वेग मान लीजिए कि स्मॉल वी टू है, यहां पर तरल का वेग मान लीजिए कि आपको स्मॉल वी वन है। यही है हम लोगों को, मान लीजिए एक सेकेंड में यहां से तरल का एम द्रव्यमान प्रवेश कर रहा है, तो ये तरल चुकी धारा रेखी प्रवाह हो रहा है और आदर्श तरल है, संपीड़ित नहीं हो सकता, अंदर दब नहीं सकता है, इधर से जितना प्रवेश करके उत्तर तुरंत बाहर निकल जाएगा क्योंकि अंदर में रुकने का जगह नहीं है। उन तरल के पर तरल के परतों के बीच घर्षण बल भी काम नहीं कर रहा कि कुछ रुक जाएगा कुछ बह जाएगा, रुक भी नहीं सकता अंदर में, जितना यहां से प्रवेश करेगा उतना यहां से निकल जाएगा, मतलब हर जगह कुछ हलचल हो जाएगा एक साथ, जैसे प्रवेश किया हर जगह हलचल उतना हो गया, फट से निकल गया उसी टाइम में, देर नहीं लगेगा, जैसे यहां से प्रवेश किया हलचल हर जगह उतना बाहर आगे चला गया। ये दिमाग पर हम लोग को रखना है। तो यहां का जो दबाव है वो कितना कार्य करता होगा, एक सेकंड में कार्य कितना करता होगा, तो यहां का जो दाब का बल है जो एक सेकंड में कार्य करेगा सिरा ए पर, सिरा ए पर एक सेकंड में दाब के बल से कार्य, दाब के बल से कार्य जो होगा जिसको हम W1 लिखें, तो बल हो जाएगा P1 into A1, एक सेकंड का विस्थापन हो जाएगा V1, और इस सिरे पर एक उसी एक सेकंड में कार्य कितना होता होगा, उसी एक सेकंड में, क्योंकि उस एक सेकंड में तो हर जगह हलचल मच गया होगा, यहां भी निकला होगा तो यहां भी कुछ कार्य हुआ होगा, तो एक सेकंड में जो है एक सेकंड में सिरा बी पर, इसको मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर एक सेकंड में सिरा बी पर दाब के बल से कार्य, दाब के बल से कार्य, दाब के बल से जो कार्य होगा ये होगा W2 इज इक्वल टू माइनस पी टू ए टू इन टू भी टू। अब माइनस काहे बोलेंगे, क्योंकि तरल इधर भागा होगा, बल दबाव का इधर लगा होगा, हम बाहर वाले दबाव से कार्य निकाल रहे हैं, चूंकि इधर का तरल जैसे बाहर फेंकाएगा दबाव इधर लगाएगा, दबाव इधर का लग रहा है वो कार्य करेगा, तो चूंकि तरल का विस्थापन इधर दबाव का बल इधर, तो कार्य निगेटिव आएगा विस्थापन, और बल विपरीत होगा तो कार्य ऋणात्मक आएगा। अब इस एक सेकेंड में क्या हुआ होगा कि
जो एम द्रव्यमान है, एम द्रव्यमान हमें लगेगा कि एम द्रव्यमान H1 ऊंचाई से H2 पर चला गया, एम द्रव्यमान H1 से H2 पर चला गया, लगेगा यहां का तरल तुरंत यहां पहुंच गया, पहुंचा भी नहीं, हर जगह तरल है, तरल तो हर जगह मौजूद है, जैसे यहां धक्का से पहुंचेगा तुरंत धक्का से यहां बाहर निकलेगा, तो हम तो यही ना कहेंगे जो यहां गया तो वही यहां निकल गया, जो यहां आए तो वही निकल गया। एक्चुअली यहां से यहां तक सबका स्थिति ऊर्जा में चेंज आएगा, सब मान लीजिए कि आप इसको कैसे समझिएगा, तो आप मान लीजिए कि यहां जो तरल प्रवेश किया, मान लीजिए एक सेकंड में यहां आया, वो यहां आया एक सेकंड में यहां आया, और यहां का तरल मान लीजिए कि एक सेकंड में ये बह करके यहां आ गया, वो यहां पहुंच गया, एक सेकंड में जो यहां आया यहां वाला पहुंच गया यहां, मान लीजिए यहां से आने में ऊंचाई H1 रहा, मान लीजिए यहां से यहां तक मान लीजिए कि H2 ऊंचाई रहा, तो स्थिति ऊर्जा में पूरे तरल लीजिए, पूरा इस तरल का स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन हम दिखाना चाहते हैं कि स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कितना आया, स्थिति ऊर्जा में कितना परिवर्तन आया ये हम दिखाना चाहते हैं। अच्छा, एम जी के विरुद्ध कितना बल हुआ, कार्य हुआ, भार के बल जो एम जी है, जो नीचे लग रहा है एम जी, उसके विरुद्ध कितना कार्य हुआ होगा ऊपर जाने में, तरल को जो है, तरल यहां पर था, यहां पर पहले था, और वही तरल यहां पहुंच गया, कितना कार्य करना पड़ा होगा, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो भैया हम लोग यहां पहले थे, यहां पर थे हम लोग पहले, और हम लोग यहां पर मान लीजिए कि पहुंच गए, यहां पर पहुंच गए हैं, इस दौरान हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ऊंचाई में कितना परिवर्तन किया है, ऊंचाई हमारा कितना परिवर्तित हुआ है, अगर यहां से यहां का जो तरल है वो यहां से यहां अगर पहुंच गया तो कितना तरल आगे बढ़ा, कितना तरल है जो आगे चला गया, जो पहले था अंदर, तो हमारा तरल जो यहां दिखाई दे रहा है, जो इतना बाहर निकल चुका है, ये बाहर हमारा आगे बढ़ गया, जबकि था हमारा वो कहीं अंदर में पहले था, यहां प्रवेश कितना किया है, ये जो अंदर गया वही तो प्रवेश किया है, तो जितना यहां पर था जो अंदर प्रवेश किया उतना ही तरल, उससे कम नहीं, वो आगे यहां बढ़ गया होगा, तो हमें तो ये लगेगा ना कि यहां पर जो तरल था H1 ऊंचाई पर वो आगे बढ़ने का मतलब वो H2 पर पहुंच गया है एक सेकंड में आना ही, तो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन निकालिए, वो कैसे निकलेगा, पूरा यहां से यहां तक का स्थिति ऊर्जा प्रारंभिक ले लीजिए, अब यहां से यहां तक की स्थिति ऊर्जा अंतिम ले लीजिए, अंतिम वाली स्थिति ऊर्जा में से आप इस प्रारंभिक वाले घटाएंगे तो ये कॉमन बात खत्म हो जाएगा, ये जो कॉमन वाली बात है ये वाला खत्म हो जाएगा, पूरा इस तरल का स्थिति ऊर्जा तो खत्म हो जाएगा, घटाने पर खत्म, मतलब इस पूरे वाले में से, अंतिम वाले में से हम इसको घटा रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, इसको इसमें से हम इसको घटा रहे हैं, तो हमें ये वाला मिलेगा और हमें ये वाला मिलेगा, मतलब यहाँ वाला का स्थिति ऊर्जा मिलेगा जो आगे बढ़ा है, यहाँ वाला का मिलेगा, तो यहाँ वाला का स्थिति ऊर्जा लिखेंगे MgH2, यहाँ का लिखेंगे MgH1, तो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा, यानी एक सेकेंड में स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा, एक सेकेंड में स्थिति ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा, ऊर्जा में परिवर्तन ये मिलेगा हमें MgH2 माइनस MgH1। एम क्या है, ये द्रव्यमान है एक सेकेंड का, जो यहां से प्रवेश किया, जो यहां से प्रवेश किया और एक सेकेंड में यहां पहुंचा, हो उसी एक सेकेंड में तरल यहां आगे बढ़ गया, तो जितना ये वाला है उसकी स्थिति ऊर्जा, और जो इधर बढ़ा उसकी स्थिति ऊर्जा दोनों को लेकर घटा दिया हमने, जो इधर बढ़ा उसकी स्थिति ऊर्जा MgH2 इस ऊंचाई पर है, वो अभी ऊंचाइया तो यही ना है, अभी हमको तो स्थिति ऊंचाई से प्राप्त करना होता है, मतलब अभी जो यहां से भागा है तरल वो H2 ऊंचाई पर है, उसकी स्थिति ऊर्जा MgH2 हो गया, और जो यहां से यहां अंदर प्रवेश किया अभी तो H1 पर है, तो उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी MgH1, घटा दिया तो हमें मिल जाएगा पूरे यहां से यहां तक के तरल के स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कितना आया, और भार के बल के द्वारा कार्य स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर होता है, उल्टा हो गया कि Mg जो संरक्षी बल है, एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है कि स्थिति ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है ये संरक्षी बल के कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता, तो उल्टा कहिए कि जो कार्य होगा संरक्षी बल के द्वारा वो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होगा, यानी कि भार के बल के द्वारा कार्य क्या होगा,
अतः एक सेकेंड में जो है, अतः एक सेकेंड में जो है गुरुत्व बल द्वारा जो कार्य होगा, गुरुत्व बल द्वारा कार्य ये हो जाएगा हम लोगों को W2, W3 इसको कर देते हैं, ये मिलेगा हम लोगों को जो है -MgH2 -MgH1 ये मिल जाएगा हम लोग को गुरुत्व बल के द्वारा कार्य। इसको थोड़ा और समझना पड़ेगा गहराई से, समझते हैं इसको, समझते हैं तो आगे हम लोग का बस अब एक लाइन का काम है। देखिए जो तरल हमारा ये जो यहाँ का जो तरल है वो यहाँ अगर एक सेकंड में यहाँ से यहाँ खिसक गया तो उसका स्थितिज ऊर्जा हम लिखेंगे MgH1, क्योंकि उसकी ऊंचाई अभी H1 पर है। यहाँ का जो तरल है वो खिसक के यहाँ पहुँच गया। अच्छा एक सेकंड में तरल जो है यहाँ से यहाँ पहुँचा है, और एक सेकंड में तरल यहाँ का जो यहाँ का तरल है वो अब यहाँ पहुँच गया है, अभी भी उसका ऊंचाई H2A बना हुआ है। तो जो तरल यहाँ से यहाँ खिसका उसका जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो हमारा MgH2 होगा। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक के तरल का ऊर्जा आप लीजिए, यहाँ से यहाँ तक के तरल का स्थितिज ऊर्जा जो A से B तक वाला स्थितिज ऊर्जा है, A से B तक की स्थितिज ऊर्जा को लीजिए, अब फिर ये A' और यहाँ B' वाले तरल का स्थितिज ऊर्जा ले लीजिए और घटा दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक के पूरे तरल की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, तो आप करें क्या कि जो अंतिम में यहाँ तरल पहुँचा है A' और B' पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में से हम इसकी स्थितिज ऊर्जा को घटा रहे हैं, इसकी स्थितिज ऊर्जा में से हम इसकी ऊर्जा घटा रहे हैं, तो जब ये घटाएंगे हमें मतलब कि यहाँ इस भाग में से अगर ये भाग घटा रहे हैं तो कॉमन तो जो यहाँ से यहाँ तक वाला ई वाला ये तो खत्म हो जाएगा जीरो, मतलब हमको सिर्फ यहाँ तक का स्थितिज ऊर्जा और यहाँ तक की स्थितिज ऊर्जा का अंतर लेना चाहिए, क्योंकि ये वाला कॉमन है दोनों बार वो खत्म हो गया, स्थित ऊर्जा दोनों का सेम रह गया, वो सेम रह गया, बस यहाँ से यहाँ जो गया उसका स्थितिज ऊर्जा और माइनस यहाँ से यहाँ जो गया उसका स्थितिज ऊर्जा हमको ले लेना। तो लगभग मान लीजिए कि H1 पर रहा तो इसका स्थितिज ऊर्जा MgH1, आई मान लीजिए H2 पर रहा तो इसका स्थितिज ऊर्जा MgH2, और अंतर हमने ले लिया तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन MgH2 -MgH1। कंसेप्ट क्या है कि पूरा यहाँ से यहाँ जो खिसक के गया उसकी स्थितिज ऊर्जा में से जो ये शुरू वाला उसके घटाइएगा तो ये जो कॉमन पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है तरल का, चूँकि यहाँ से यहाँ तक तरल तो है ही है, पहले भी था जब खिसका तो भी है अब पहले भी था, तो इसका स्थिति ऊर्जा दोनों बार मिल रहा है जो खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ का स्थिति ऊर्जा और यहाँ का ऊर्जा हमको ले लेना है, चूँकि यहाँ से यहाँ तक तरल का द्रव्यमान m है, यहाँ से यहाँ एक सेकंड में तरल का द्रव्यमान m है, द्रव्यमान तो कुछ चाहिए ऊर्जा के लिए स्थिति ऊर्जा के लिए, तो MgH1 मिला और यहाँ से यहाँ तक भी m होगा चूँकि आदर्श तरल है, तो स्थिति ऊर्जा MgH2 मिला, अब परिवर्तन ये मिला। और सूत्र ये कहता है कि संरक्षी बल या भार के बल के द्वारा किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि रियल कॉन्सेप्ट तो ये है कि स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल या संरक्षी बल के कार्य के ऋणात्मक के बराबर होता है, और उल्टा कीजिएगा तो जो कार्य मिलेगा वो स्थित ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर मिलेगा, या माइनस इनके पीछे आके लग जाएगा, यू फाइनल ये हो गया, यू इनिशियल ये हो गया, माइनस यहाँ लग गया, ये बात हम लोग का है। अब हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा देंगे। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है, वो कहता है कि कुल बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। अच्छा एक सेकंड में जो द्रव्यमान प्रवेश कर रहा है यहाँ से और यहाँ निकल रहा है उसको m ले लीजिएगा। आप जब अपने कॉपी पर फिगर बनाएंगे तो ये पूरा बना सकते हैं, आपका मन हो तो जान लीजिए, खिसकाने वाला भी ज़्यादा आसानी से होगा क्योंकि बुक्स में इस तरह का आसान करके नहीं दिया रहता है और समझना कठिन हो जाता है। तो इसको पहले हम नोट कर लेते हैं जो कार्य हमें मिला है, तो फिर हम कार्य ऊर्जा प्रमेय को लगाते हैं। अब वीडियो को पीछे करके आप इसको नोट कर लेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय यहाँ पर लगा देंगे। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है कि कुल बलों द्वारा किया गया कार्य W1 + W2 + W3 ये बराबर होगा अंतिम गतिज ऊर्जा यानी ½mv2² माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी ½m जो है v1² ये हमको बस हमको W1, W2 और W3 का मान निकला है
W1 का, W2 का, W3 का यहाँ रखेंगे, बर्नौली का प्रमेय प्रूव हो जाएगा। यहां तक नोट करें, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। मिटाते और आगे बढ़ते हैं, इनको मिटा करके और इस लाइन को हम बढ़ाने वाले हैं। मतलब आप जब उतारिएगा तो पूरा उतारते जाइएगा, इसके आगे वाले बात को हम यहां से लिखेंगे, मिटा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और देखिए क्या हमें मिलेगा आपको, ये W1 मिल गया है, P1 इंटू A1 इंटू V1, स्मॉल V1 बेग है, यहाँ वाला बेग तरल का, और माइनस P2 A2 इंटू V2, और ये वाला हम लोग को जो मिला था आपको W3, क्या मिला था, माइनस MgH2 माइनस जो है MgH1, और बराबर हो गया हम लोग को हाफ जो है MV2 स्क्वायर माइनस जो है हाफ MV1 स्क्वायर। इसी को आगे बढ़ाएंगे, बर्नौली का प्रमेय चलाएगा। आपको पता है एक सेकंड का आयतन होता है, पिछले लेक्चर में बढ़ा चुके हैं, और एक आदर्श तरल के लिए हर जगह बराबर होता है ये। चूंकि संतत्य का समीकरण से, संतत्य के समीकरण से हम जानते हैं कि A1V1 बराबर A2V2 बराबर कैपिटल भी, यानी एक सेकेंड का आयतन, एक सेकेंड का आयतन हो गया तरल का। इसलिए फॉर्मूला हमारा क्या मिलेगा, P1 इंटू भी माइनस P2 इंटू भी माइनस MgH2 प्लस MgH1 और बराबर हाफ MV2 स्क्वायर माइनस हाफ MV1 स्क्वायर। अब वन वाले को एक तरफ और टू वाले को एक तरफ कर लेते हैं, देखिए हमें क्या मिलेगा। तब यहां पर अब मिलेगा हमें आपको जो है P1 इंटू भी प्लस MgH1 प्लस हाफ MV1 स्क्वायर और जो है बराबर P2 प्लस MgH2 और प्लस जो है ये वाला, ये दोनों हमने उधर लेके चले गए, दोनों माइनस में था प्लस बन जाएगा, यहां पर V2 वाला तो है ही है, तो हाफ MV2 स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करेंगे कि आयतन से भाग देंगे, सेकंड के आयतन से भाग देंगे, तो P1 प्लस MgH1 बटा भी प्लस हाफ MV1 स्क्वायर बटा कैपिटल भी, कैपिटल भी आयतन है, एक सेकंड का तरल का आयतन कहीं का भी एक सेकंड का आयतन बराबर होता है आदर्श तरल में, और बराबर जो है P2 और प्लस Mg, या भी छूट गया, या इक्वल्स P2 इंटू भी होता है, ये P2 इंटू भी उधर गया था, और प्लस MgH2 और बाई भी प्लस हाफ MV2 स्क्वायर और बाई भी, ये हमें बचेगा आपको P1 प्लस द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व हो जाएगा, एक सेकेंड का घनत्व होगा, तो हमें मिलेगा रो GH1 प्लस हाफ रो जो है V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस जो है रो GH2 और प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यही बर्नौली का प्रमेय है, एकांक आयतन का दाब ऊर्जा, एकांक आयतन का स्थिति ऊर्जा, एकांक आयतन का गति ऊर्जा इस ए सिरा पर, और इस बी सिरे पर एकांक आयतन का दाब ऊर्जा, एकांक आयतन का स्थिति ऊर्जा और एकांक आयतन का गति ऊर्जा, ये बराबर होता है। प्रमाणित करने के लिए तो कोई पूछेगा नहीं, फार्मूला को अगर बढ़िया समझ लिया जाए तो सवाल हम लोग कहीं बना सकते हैं, कोई भी फार्मूला को ढंग से समझना है तो पहले इस फॉर्मूला को और भी हम जनरलाइज कर देते हैं, मतलब और फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं, तो ये तीनों चीज़ों का सम, यानी एकांक आयतन का दाब ऊर्जा, एकांक आयतन का स्थिति ऊर्जा और एकांक आयतन की जो गति ऊर्जा है, इस नली के हर बिंदु पर यहाँ कहीं भी ये नियत होता है। इसलिए हम इस बर्नौली के प्रमेय को लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः P प्लस हाफ रो जो है, सॉरी P
पी प्लस रो जी एच वन प्लस जो है हाफ रो एच वन छोड़ दीजिए खैर रो जी एच प्लस हाफ रो भी स्क्वायर इज इक्वल टू आप अचर कह सकते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस नली में कहीं भी किसी भी सेक्शन पर किसी भी अनुप्रस्थ काट पर किसी भी बिंदु पर एकांक आयतन का दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा और एकांक आयतन की जो गतिज ऊर्जा का जोड़ है वो नहीं बदलता है, वो अचर रहता है। पूरे नली में हर जगह एकांक आयतन का दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा और एकांक आयतन की जो गतिज ऊर्जा है वो नियत रहता है, वो अचर रहता है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक, अगर समझ गए तो ये चैप्टर 2 या 3 दिनों का मात्र और है, 3 दिनों और पढ़ेंगे तुम लोग, 3 दिनों बाद अपने न्यूमेरिकल लगेंगे, प्रणत न्यूमेरिकल बताएंगे इस पर, न्यूमेरिकल्स के बताएंगे भी, और 2-3 दिनों का और चैप्टर इक्वल रह गया है, उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं आपको या तो चैप्टर 14 चाहे आपको हीट उष्मा के बारे में, चैप्टर 14-15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी और 12th क्लास में उपयोग होगा, दोलन और तरंग के बारे में पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचता हूँ कि पहले उन दोनों को पढ़ा दूँ उसके बाद उष्मा को लास्ट में पढ़ाऊँ, ये देख लेना है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। 12th क्लास में इसका उपयोग तो नहीं होता है लेकिन एयरफोर्स में NDA में और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, ज़बरदस्त इसका यूज होता है। ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, फॉर कंपटीशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है ये। ठीक है बच्चों, तो हम लोग का ये आज इतना रहेगा, आगे हम लोग फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकर के आएंगे इसको दोबारा फिर समझाएंगे इसको और न्यूमेरिकल के साथ हम इसको समझेंगे आप। ठीक है बच्चों।